नाजरीन पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने क़ब्र के बारे में बात की थी आज भी हम इसी के बारे में बात करेंगे कब्र इतनी भयानक जगह हैं जिसमें न तो किसी किस्म की रोशनी होगी ना ही इंसान के लिए कोई लाइट का इंतज़ाम कर सकता है आपको पता है क़ब्र का अजाब कितना भयानक होता है नाजरीन ज़रूर ज़रूर आप वफात से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए ताकि कब्र में सुकून व इतमान हासिल हो हज़रत अनस रजी अल्लाहते हैं अल्लाह के नबी सल्ह वसम ने फरमाया कि मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वह तुम्हें आज़ाब क़ब्र की आवाज़ें सुना दे सोचिए अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि अगर अजाब क़ब्र की आवाज़ों को अगर हम सुन लेते तो अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देते हैं इतना भयानक क़ब्र का अजाब होता है लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम उसके लिए तैयारी करें और अपनी आखिरत को याद रखें वरना हमारे लिए आगे बहुत मुश्किल हो सकती है याद रखिए जब तक हम आख़िरत को अपने जहनों में रखेंगे बुराइयों से गलतियों से महफूज़ रहेंगे क्योंकि हमें ये एहसास है कि हमें कब्र में जाना है वहाँ पर सवाल जवाब होने हैं वहाँ पर हमें सारी चीज़ों का सारे अमाल का हिसाब देना है जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा ये सारी चीज़ें अगर हमारे जहनों में चलेगी तो हम बुराइयों से महफूज रहेंगे ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें